हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और झारखंड केस स्टडी में आज हम लोग इधर स्टार्ट किए हैं झारखंड के कला एवं संस्कृति की यानी कि कल्चर को। तो अभी एकदम स्टार्टिंग दौर चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को पलामू किला से बिल्कुल परिचित करवा दी थी। तो पलामू किला से ही सिर्फ परिचित हुए हैं और झारखंड के जितने भी प्रमुख किले हैं उसके बारे में तो हम लोग जाने नहीं हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सारे किले को जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पलामू किला के बाद जो दूसरा किला आता है उसके बारे में जानेंगे। तो वो है आपका एक नारायणपुर का किला, ये है आपका नारायणपुर का किला। ये झारखंड के प्रमुख किले में से है जो कि लातेहार जिला में है। नारायणपुर का किला जो है वो आपका लातेहार जिला में है। देखिए ये जिला में तो लातेहार में है नारायणपुर का किला, लेकिन ये खास लातेहार से, ये खास लातेहार से 8 किलोमीटर की दूर पे एक जगह आपका नावागढ़। तो नारायणपुर का किला जो है वो खास लातेहार से 8 किलोमीटर की दूरी पे है जो कि नावागढ़ में है। और ये भी नावागढ़ जो जगह है इसके दक्षिण साइड में है। इस किले का जो निर्माण हुआ आपका वो चेरोवंशी शासक भागवत राय, चेरोवंशी इसका निर्माण में जो मुख्य योगदान है वो चेरोवंशी शासक भागवत राय के समय में इन्हीं के लेखापाल थे। लेखापाल इनका नाम जाजदास था। तो इन्हीं के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया है और निर्माण जो हुआ है इसका ये 16वीं शताब्दी में हुआ है। देखिए शाहपुर चांदनी किला जो है ये पलामू जिला में है, लेकिन पलामू जिला में भी पलामू का मुख्यालय डाल्टनगंज, डाल्टनगंज जो है आपका ये पुराना नाम है अभी का मेदनी नगर। मेदनी नगर जो है वो पलामू का क्या है मुख्यालय, अभी का मेदनी नगर इसी के जस्ट बगल में है, बगल में कहने का मतलब है जैसे ये मेदनी नगर है, ठीक है। तो ये मेदनी नगर से आपका ये शाहपुर चांदनी किला जो है ये मेदनी नगर से दक्षिण पश्चिम साइड में कोयल नदी के पश्चिमी तट पे है। इसका निर्माण पे आइए, इसका निर्माण जो है वो चेरोवंशी शासक गोपाल राय ₹1772 में करवाए थे। ये जो किला है ये लगभग आपका 3 एकड़ में
चतुर्भुजाकार टीले पे है। यहाँ पे देख रहे हैं कि शाहपुर चांदनी किला जो है आपका, इसका निर्माण चेरोवंशी शासक गोपाल राय ने 1772 में करवाए। ये लगभग 3 एकड़ जमीन में चतुर्भुजाकार टीले पे है और इस टीले से अगर आप लोग डाल्टनगंज को या फिर कोयल नदी को देखेंगे तो काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। शाहपुर चांदनी किला है ये 250 वर्ष पहले का किला है, ठीक है। तो 250 वर्ष पहले का ये किला है, इस मतलब इतना वर्ष पहले चालनी किला भी कहा जाता था, बहुत लोग छलनी किला भी कहते हैं इसको, तो चालनी चलनी या छलनी किला कह सकते हैं इसको, उस समय के समय में कहा जाता था 250 वर्ष पहले के समय में। ये शाहपुर किला तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं और इस किले पे चर्चा करने के बीच में मैं आपको बता दूं कि अभी जो इसका स्थिति हो गया है तो काफ़ी दयनीय हो गया है। इसका ढहना, दरारें पड़ना, मतलब एकदम पुअर कंडीशन हो गया है। ये किला जिस समय बना था, ये गोपाल राय 1772 में बनवाए थे और 21 मार्च 1771 इस समय के समय में पलामू किला पे अंग्रेजों का नियंत्रण था। अब यहाँ पे देखिए, पलामू किला में अंग्रेजों का नियंत्रण था तो पलामू में भी तो चेरोवंशी शासक लोग थे। अब यहाँ पे अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया तो टोटल चीज तो अंग्रेज के अंडर में हो गया, तो यहाँ पे यानी कि पलामू किला के जो राजवंशी लोग थे तो शाहपुर किला में ही निवास किए थे ये लोग शाहपुर किला में। देखिए ये लोग निवास किए थे शाहपुर के किला में, लेकिन आए कैसे थे? आए थे ये लोग सुरंग के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से ये लोग आए थे। इसका कहने का मतलब है कि देखिए आप लोग शाहपुर किला को एकदम जा कर के अच्छा से घूमिएगा तो अंदर जाने के बाद पता चलता है कि सुरंग है वो। ये जो सुरंग है शाहपुर किला का, इसके अंदर सुरंग रास्ता है, सुरंग का रास्ता है जो कि पलामू किले को जा कर के छूती है। पलामू किले को छूती है और ये सुरंग का जो रास्ता है सिर्फ पलामू किला को ही नहीं छूती है, रोहतास गढ़ को भी छूती है। तो 21 मार्च 1771 के टाइम में जब अंग्रेज लोग पलामू किला पे कंट्रोल कर लिए थे, वहाँ के राजवंशी लोग जितने थे वे आकर के शाहपुर किला में निवास किए और वे लोग सुरंग के माध्यम से आए थे। चेरो वंश का जो प्रतापी राजा था ये प्रतापी शासक था आपका मेदनीराज, लोगों का मानना है कि चेरो वंश का जो प्रतापी शासक मेदनीराज था इसके समय में पलामू में दूध एवं दही की नदियां बहती थी, मतलब कि दूध दही घी
काफी ज्यादा मात्रा में होता था। नदियां बहती थी। चेरुवंश का ये सबसे प्रतापी राजा था मेदिनीरन। कुछ कवि कहते थे कि धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मलहनिया। ये मतलब कवि लोग नहीं होता है एक पंक्ति बनाना, तो पंक्ति तैयार किए थे मेदिनी राय पे, उसी में बोले। कहने का मतलब है कि मेदिनी राय जो था प्रतापी राजा, वो रियल में काफ़ी धनी था। इसके समय में दूध दही घी की नदियां बहती थी। और इस पंक्ति का जो दूसरा पार्ट है ये कह रहा है कि घर घर बाजे मलहनिया। कहने का मतलब है कि इस समय के समय में टोटल घरों में नहीं होता है मलहनिया, जो होता है दूध दही निकालने वाला होता है, मट्ठा वगैरह मंथने का ये होता है, मलहनिया कहा जाता है उसको। तो ये हुआ आपका मेदिनी राय के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि शाहपुर चांदनी किला में मेदिनी राय की प्रतिमा भी स्थापित है। तो ये जो स्थापित हुआ है प्रतिमा, ये 7/10/2008 को स्थापित हुआ है, यानी कि 2008 के समय में माननीय विधायक ये श्री रामचंद्र सिंह जी यही मेदिनी राय की प्रतिमा को स्थापित करवाए थे। इसके बाद यहाँ पे चेरो वंश का अंतिम शासक शाहपुर किला में ही है, ये प्रतिमा शाहपुर किला में है। और चेरो वंश का अंतिम शासक जो था वो चूड़ामन राय, और इनकी महारानी थी चंद्रावती देवी। इन लोगों की भी प्रतिमा स्थापित है, प्रतिमा है। देखिए ये प्रतिमा जो स्थापित है, तो ये स्थापित हुआ था 12 फरवरी 2014 को। तो चेरुवंश का अंतिम शासक चूड़ामन राय और इनकी महारानी चंद्रावती देवी की प्रतिमा का स्थापना जो हुआ था वो 12 फरवरी 2014 को हुआ था। तो इस समय जो ये इन लोगों की प्रतिमा की स्थापित हुई थी, तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति के द्वारा किया गया था। इस समिति के द्वारा इन लोगों की प्रतिमा की भी स्थापित किया गया है। तो ये शाहपुर चांदनी किला के फुल डिटेल्स, जो कि एग्जाम के पूछे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग और भी प्रमुख किले के बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ पे आपका है, इसके बाद हम लोग झारखंड के एक और प्रमुख किले के बारे में अभी तुरंत जानेंगे, वो है आपका विश्रामपुर का किला। विश्रामपुर का किला जो है ये पलामू जिला में है। और रिजल्ट पूछा जाए तो ये खास विश्रामपुर में है।
खास विश्रामपुर में है। ये विश्रामपुर जो है ये नया नाम है। ये सब किला के समय में इस विश्रामपुर का पुराना नाम शानदाग था। और इसका जो निर्माण है, निर्माण करवाए थे वो चेरोवंशी शासक गणपत राय। जो कि 1890 से 1920 के समय में इसका निर्माण करवाया गया। देखिए ये जो किला है इससे एकदम सटे हुए, अंदर में ही सटे हुए किले के अंदर एक मंदिर है। और फिर थोड़े दूरी पे एक और बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से पूरे विश्रामपुर की सुंदरता बढ़ती है। और विश्रामपुर का ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होना में इस मंदिर का काफ़ी बड़ा योगदान जाता है। और विश्रामपुर फेमस है और भी मामले में, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखे आपकी ये बड़ा सा मंदिर है, थोड़ा हटके है और सटे किले के अंदर एक मंदिर है। तो किले के अंदर ये मंदिर है, यहाँ पे लोग पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं। और विश्रामपुर का किला जो है वो बहुत पुराना हो गया है। ये भी मतलब शाहपुर किले जैसा ही ढहने जैसा या दरार पड़ने जैसा ही हो गया है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे निर्माण नहीं होता है कि कोई भी सामान खराब हो रहा है या बिल्डिंग गिर रहा है तो उसका भरपाई किया जाता है, उसको दोबारा बनवाया गया है रहने के लिए। और लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जैसे पुरातात्विक धरोहर के रूप में ये सब चीज़ को माना जाता है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इसको बार बार बिगड़ने से बचाया जाता है। कि विश्रामपुर जो है आपका जगह यहाँ पे, ये रियल में खास है। ये खुद में विधानसभा क्षेत्र है। और इस यहाँ मतलब विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो सीट है उस पे अभी रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं। इधर कंटिन्यू मतलब यहाँ का सीट इन्हीं को मिल रहा है। और इनके द्वारा विश्रामपुर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है। और खास विश्रामपुर में पुलिस स्टेशन है, सदर अस्पताल है और पढ़ने लिखने का अच्छा से अच्छा व्यवस्था है, इसलिए विश्रामपुर फेमस है, फेमस प्लस है। तो यहाँ पे विश्रामपुर किला के साथ साथ विश्रामपुर को भी हम लोग जाने। और इसके अलावा भी प्रमुख किले बहुत सारे हैं जिसको हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा क्लास आप लोग ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।